जम्मू कश्मीर से लड़की निकलती है और इंडिया जाके जज बनती है। आप जाएं यहाँ पंजाब से जाएं इंडिया में जाएं, आपको पकड़ कर वो गायब कर देंगे, फिर आपको पकड़ के वो गायब कर देंगे और फिर दो चार एक माह बाद दो ये, अब मैं आज कल की खबर आपको देता हूँ कि वो बांग्लादेश से एक इंसान निकलता है जो अपना इलाज कराने इंडिया जाता है, दो दिन बाद उसकी लाश मिलती है इंडिया के अंदर से। इंडिया वाले बेसिकली आईटी की फील्ड में और मैथमेटिक्स वगैरह में हमसे आगे हैं। अब ये कोई ना पसंद करे या करे, मैं आई हैव ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड और आई हैव लिव्ड अराउंड द वर्ल्ड, तो मैंने यही देखा है कि वो लोग जो हैं हमसे काफ़ी आगे हैं इस फील्ड में और वो लोग सही तरह लेके चीज़ों को चल रहे हैं और वहाँ पे बेसिकली बिजनेस भी ज़्यादा, इन्वायरमेंट भी ज़्यादा फेवरेबल है, रीजन बीइंग कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज चीपर ओवर देयर। इतनी बड़ी अचीवमेंट, हालांकि पाकिस्तान का आज तक 70 साल की हिस्ट्री के अंदर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट नासा के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं हासिल की, तो देखो वहाँ का एक स्टूडेंट ने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, एक मामूली बात नहीं है। तो सोची जाए समझने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है कि नासा एक दुनिया के नंबर वन एक कंप्यूटर एजेंसी है, कंप्यूटराइज के आगे जो स्पेस एजेंसी है, AI पे इतना उनका काम है। इंडिया कहता रहा जी कश्मीर हमारा टूटंग है, तो उसने लाजमी बताया अपना वोट बैंक के लिए ही सब कुछ कर रहा है, अदर और कोई चीज़ नहीं है इसमें, और वो मोबिलाइज कर रहा है और फंड्स कर रहा है। अच्छा। राम उसाद CIA ये सब मिले हुए हैं, इसराइल ये सब मिले हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी बलोचिस्तान में हो रही है आपकी, वो सब इंडिया करवा रहा है, सब कुछ ये इंडिया से हो रहा है और कोई। इंडिया में तो बहुत कम महंगाई है यहाँ से, और ये देखें वो अपने लोगों के लिए यही तो रिलीफ है और यही तो चीज़ है कि लोग अपने लिए काम करते हैं। देखें आप वहाँ पर एप्पल की फैक्ट्रीज लग गई हैं, एप्पल के जो उनके प्रीमियम स्टोर हैं वो आ गए, टेस्ला आ गए, सारे आ गए। क्यों? अगेन मैंने कहा बिजनेस कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, सस्ती हैं चीज़ें, ओवरहेड सस्ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें ओवरहेड्स में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है आपकी जो बेसिक है, जो हर कंपनी हर फैक्ट्री में लगनी है, गैस है वो सस्ती है। तो वो कहते हैं कि वो जम्मू वाले हमसे ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वहाँ का इंडिया की उनको अच्छा बजट देते हैं, इंडिया की वहाँ बड़े बड़े लोग सुपरस्टार वहाँ विजिट करते हैं, पिछले दिनों में शाहरुख खान ने भी वहाँ पर विजिट किया था और काफ़ी बंदे वहाँ का विजिट करते हैं और उनका एक हौसला अफजाई हो जाती है कि हमारे साथ कोई है। लेकिन उसके कंपेरिजन में ये आज़ाद कश्मीर का देख लें, आज़ाद कश्मीर के अंदर उनको अपने हाल पर छोड़ा हुआ हमने। नाजरीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है जो कि 70 सालों से हल होने का नाम नहीं ले रहा। हमें हमेशा यही बताया गया, यही दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, वहाँ के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उन पर जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों हमें ये सब कुछ आज़ाद कश्मीर में देखने को मिला। आज़ाद कश्मीर के लोगों के मुतालबात मान लिए गए, लेकिन एक बार फिर सुनने में आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर 27 मई को एक बार फिर से एहतजाजी मुजाहरे करने जा रहा है। अगर उसके बरक्स अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो सुनने में आया है कि वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुनीब नामी लड़का जो है नासा के हॉल ऑफ फेम में एंटर हो चुका है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ सर, क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रो ब्लेडिंग करता हूँ। सर, आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर ने एक बार फिर से जो है प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है, उन्होंने कहा है कि 27 मई को एक बार फिर से आज़ाद कश्मीर में एहतजाज शुरू हो जाएंगे, पुरअमन एहतजाज होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार हमारे 8 मुतालबात हैं, ना एक, ना दो, ना तीन, 8 मुतालबात हैं। देखा जाए तो इसमें मुझे जो लगता है, जहाँ तक लगता है, वो इंडिया का काम है। हाँ, क्योंकि शुरू से चलता आ रहा है, अब उनको थोड़ा सा मौका मिल रहा है, हमारे जो मोदी सरकार है, आगे उनके इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इसी हिसाब से वो ही सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ जाकर कुछ कह रहे हैं, कुछ पॉलिसीज ऐसी दे रहे हैं उन लोगों को ताकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएं। अच्छा। ये मामला मुझे यही नज़र आ रहे हैं। इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा? उनके तो मुल्क में इलेक्शन चल रहे हैं ना, उनका सारा फोकस तो इलेक्शन पर होना चाहिए। देखिए, उन्हें एक तरफ देखा जाए तो कश्मीरी हो गए, उनको सिंपैथी चाहिए, और वो मोदी सरकार है, उसको इलेक्शंस के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ये चीज़ मामलात करने ज़रूरी हैं, तो लाजमी बात है मोदी सरकार हमेशा से ऐसा ही करती आई है। इवन अगर हम इंडिया में देखें कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो पहले बोलते हैं, फिर उसको गेन करते हैं इलेक्शंस में आपके वोट बैंक हासिल करने के लिए, तो यहाँ भी वो यही कर रहे हैं। लोगों के बेसिक मुतालबात हैं, उन्हें सस्ती बिजली चाहिए, सस्ता आटा चाहिए, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की कोई मुदाखलत हो सकती है। ये मुतालबात तो पंजाब के भी हैं। देखिए, फिर पंजाब वाले लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें यहाँ करना चाहिए ना। अब जैसा मामला चल रहे हैं, जो इस वक्त हालात हुए हैं,
मार्केट्स में आप जाएं, सन्नाटे हैं बिल्कुल, कोई इवन लोग नज़र नहीं आते। अब कश्मीर में वो लोग आप इंटरप्ट कर सकते हैं, जैसे मकबूजा कश्मीर हो गया, हमारा जम्मू हो गया, और इन मामला में वो अपनी जो अब वहाँ की जो जैसे हिंदू कम्युनिटी है उनको भेज रहे हैं, वहाँ पे आपकी लोग आ रहे हैं, हिंदू आ रहे हैं, उनको घर दे रहे हैं कि आप यहाँ रहें, बिल्ड करें, यहाँ पे आबादी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा। तो बस यही मामला है और कोई वजह नहीं है, सिर्फ सरासर ये इंडिया का हाथ है और कोई। सर, जम्मू कश्मीर से आपको पता है कि एक लड़का है मुनीब नामी, जिसके नासा के हॉल ऑफ फेम में एंट्री हो गई है, उसका दाखिला हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, रोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए सड़कों पर निकल आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जिसे हम लोग मुंह भर भर के बातें करते थे, इंडिया पर इल्ज़ाम की बौछार करते थे, आज वहाँ के नौजवान जो है वो नासा में जा रहे हैं। देखिए, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इंटरनेशनल मीडिया जो है हमारा, ओवरऑल जो जो कम्युनिटी है, अदर ऑफ द थिंग्स जो है, जैसे हमारे मुसलमानों से हटकर आपके गोरे कह लें आप या यूके वाले या जो भी कह लें आप उनको, वो लाजमी बात है इन चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं, प्रेफर करते हैं और निकालते हैं। इवन अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो यहाँ से भी कोई छोटे मोटे लोग ऐसे निकालते हैं कि हाँ जी ये देखें, ये बलूचिस्तान से ये कर गया, ये वो कर गया, और यही वो लोग यहाँ जैसे मकबूजा कश्मीर में जी बहुत ज़हीन लोग हैं, वहाँ से लोगों किसी को भी निकालते हैं कि जी वो ऐसे वहाँ चले गए, जी नासा में चले गए हैं। आप पंजाब में क्यों नहीं आते, पंजाब में भी हैं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, बहुत ज़्यादा मामलात हैं, लेकिन बात करूँगा तो फिर वो किसी और तरफ चले जाए। सामने क्यों नहीं आते ना, बात तो ये है। मुझे बताएं, पिछले दिनों आपको पता है कि एक दर्जी की बेटी जम्मू कश्मीर से उठ के जज बन गई, ठीक है, जो कि एक इंडिया की अदालत में जज बन गई। अब वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर से मुनीब नामी लड़का है वो नासा के हॉल ऑफ फेम में जाके बरकरार हो गया है, वहाँ पे उसका दाखिला हो गया है। आप देखें, जम्मू कश्मीर से लड़की निकलती है और इंडिया जाके जज बनती है, आप जाएँ यहाँ पंजाब से जाएँ इंडिया में जाएँ, आपको पकड़ कर वो गायब कर देंगे, फिर आपको पकड़ के वो गायब कर देंगे, और फिर दो चार एक माह बाद दो ये, अब मैं आज कल की खबर आपको देता हूँ कि वो बांग्लादेश से एक इंसान निकलता है जो अपना इलाज कराने इंडिया जाता है। अच्छा। दो दिन बाद उसकी लाश मिलती है इंडिया के अंदर से। तो वो उसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे कि जम्मू कश्मीर है, देखें जी यहाँ की लड़की आई है और हमने इसको जज बना दिया। पंजाब, बांग्लादेश या नॉर्मल एरिया से कोई भी जाएगा वो ऐसा, वहाँ के इलाके की लड़की कोई प्रेफर करेंगे ना, तो हम भी अपने इलाके की लड़की को प्रेफर करेंगे कि हमारी अदालतों में या हमारे ओहदों पे जो है वो कौन सी लड़कियाँ फाइज हो सकती हैं। तो बात यह है कि हमने हमेशा जो है अपने बच्चों को यही सिखाया, यही बताया कि जम्मू कश्मीर में इंडिया की सरकार बड़ा जुल्म कर रही है, लेकिन वहाँ पर जितनी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ के लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितना ग्रोथ कर रहे हैं, हम वो क्यों नहीं बताते अपनी आवाम को। आप जाएँ, आप मीरपुर जाएँ, आज़ाद कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में हमारा इंटरप्ट नहीं कर सकते हम लोग। आप आज़ाद कश्मीर में जाएं, आप मीरपुर में जाएं, मैं जाता हूं वहाँ पे ये जो आपकी मॉडर्न गाड़ियां जो यहाँ पे आपको नज़र आती हैं वहाँ पे रुलती हुई नज़र आती हैं। अच्छा। आप हमारे जाएं ज़रा आज़ाद कश्मीर में। तो फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं वहाँ के लोग, क्यों सड़कों पर हैं, क्यों वो जो है हुकूमत के खिलाफ हो चुके हैं, क्यों पुलिस एहलकारों के दरमियान और उनके दरमियान झड़पें हो रही हैं अगर वहाँ पर सब कुछ ठीक है तो? मैडम, मोबिलाइज किया जाता है, फंड्स दिए जाते हैं, अदर और कोई चीज़ नहीं है, फंड दिए जाते हैं, मोबिलाइज किया जाता है, एक बच्चा है या और कोई कम्युनिटी, उनको जाकर पैसे दिए जाते हैं कि आप यहाँ पे बोलें, अब और कोई चीज़ नहीं है ऐसे हमारे पाकिस्तान में, कोई इश्यूज़ नहीं है सिवाय महंगाई के। मुझे या एक आम इंसान को जो इशू नज़र आता है वो यही आता है, एक मालदार इंसान 13 करोड़ की लैंड क्रूजर में घूम रहा है, फिर उसे यूनिट्स फ्री दिए जा रहे हैं, आपको बिजली फ्री दे रहे हैं, मुलाजम फ्री दे रहे हैं, सब कुछ उसको फ्री दे रहे हैं, 5 लाख उसकी पे है, ऊपर से वो रिश्वत अलहदा ले रहा। आप हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क तो ऐसे हो रहा, और क्या नज़र आ रहा है हमें पंजाब में? ये करें आप, करें एक इंसान को अगर वो कहें कि आज एक एमपी है, मैंने अपनी हिफाजत खुद करे। तो सर यही बात तो मैं कह रही हूँ कि आज़ाद कश्मीर में भी जो एहतजाज हो रहे हैं वो महंगाई के खिलाफ ही हो रहे हैं, फिर इसमें इंडिया का क्या अमल दखल है, क्यों हमारे बात का मलबा इंडिया पर डाल देते हैं? इंडिया हमेशा से कहता आया है कश्मीर हमारी शाहरग है, बात तो हम भी कहते हैं अटूट अंग है, सॉरी हम कहते रहे हैं शाहरग है हमारी, इंडिया कहता रहा जी कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो उसने लाजमी बताया अपना वोट बैंक के लिए ही सब कुछ कर रहा है, अदर और कोई चीज़ नहीं है इसमें, और वो मोबिलाइज कर रहा है और फंड्स कर रहा है। अच्छा। राम उसाद, CIA, ये सब मिले हुए हैं, इसराइल, ये सब
सब मिले हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी बलोचिस्तान में हो रही है, आपकी वो सब इंडिया करवा रहा है, सब कुछ ये इंडिया से हो रहा है। और कोई क्या नाम है सर आपका? उमेर। उमेर क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वगैरह पे काम करता हूँ, डेटा एनालिटिक्स पे। ज़बरदस्त सर, आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर ने एक बार फिर से प्रोटेस्ट कॉल दे दी है। उन्होंने कहा है कि 27 मई को एक बार फिर से वो एहतजाज करेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो है पुरअमन एहतजाज किए जाएंगे। इस दफ़ा उनके जो है 8 मुतालबात हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ आज़ाद कश्मीर में मुसलसल एहतजाज चल रहे हैं, और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहाँ पर एक मुनीब नामी लड़का है जो कि नासा के हॉल ऑफ फेम में एंटर हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली लास्ट टाइम ही जब आज़ाद कश्मीर वालों ने प्रोटेस्ट किया था तो उसके डेफिनेटली उनको दे गेट द फ्रूटेशन आउट ऑफ इट, उनको बिल्कुल मिली थी और कीमतें वगैरह काफ़ी सस्ती करके उनको काफ़ी रिलीफ दिया गया था। एग्जैक्टली प्रिसाइसली आई डोंट नो कि अब उनके क्या मुतालबात हैं, लेकिन आई थिंक वन नीड्स टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, एंड अ पर्सन हु डजंट स्टैंड अप फॉर एनीथिंग विल फॉल फॉर एवरीथिंग। इट्स अ वेरी फेमस थिंग। सो ये है कि अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। तो वैसे भी ये है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोगों की इतनी परचेजिंग पावर नहीं है जिधर जहाँ पे चीज़ों की कीमतें चली गई हैं। तो अगर उनको रिलीफ मिलता है और अगर ये स्टैंड अप करते हैं और उनको रिलीफ मिलता है तो ये है कि गुड फॉर देम, और ये अच्छा है कि उनके फेवर में ये चीज़ जाती है। सर अब ये देखें कि आज़ाद कश्मीर में मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में एक मुनीब नामी लड़का जो है वो नासा के हॉल ऑफ फेम में एंटर हो गया है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया वाले बेसिकली आईटी की फील्ड में और मैथमेटिक्स वगैरह में हमसे आगे हैं। अब ये कोई ना पसंद करे या करे, मैं आई हैव ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड और आई हैव लिव्ड अराउंड द वर्ल्ड, तो मैंने यही देखा है कि वो लोग जो हैं हमसे काफ़ी आगे हैं इस फील्ड में, और वो लोग सही तरह लेके चीज़ों को चल रहे हैं, और वहाँ पर बेसिकली बिजनेस भी ज़्यादा, इन्वायरमेंट भी ज़्यादा फेवरेबल है। रीजन बीइंग कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज चीपर ओवर देयर। लेकिन अगर सिर्फ हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसके बारे में हमें हमेशा यही दिखाया गया, यही बताया गया कि वहाँ पे बड़ी जुल्म और बर्बरियत हो रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उन पर जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम नहीं। लेकिन वहाँ के लोग नासा जा रहे हैं। पिछले दिनों एक खबर आई कि वहाँ पर एक दर्जी की बेटी जो है वो उठकर जज बन गई है। तो अब देखें कि जम्मू कश्मीर में इतने बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर जाकर बैठ रहे हैं। बिल्कुल, ये उसमें देखें ये इंडिविजुअल की एफर्ट होती है, ये चाहे हमारे पाकिस्तान में भी हो, ये इंडिविजुअल की होती है। इवन दो द स्कूल द एजुकेशन इंस्टीट्यूट ट्राइज टू टेक द क्रेडिट आउट ऑफ इट, लेकिन ये एक इंडिविजुअल की भी बहुत इसमें एफर्ट होती है। ऑब्वियसली व्हाट आई पर्सनली थिंक इज के उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर इज दैट देयर एजुकेशन सिस्टम इज मच बेटर देन आवर्स एजुकेशन सिस्टम। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से बेहतर है। हमारे बेसिकली पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में रटा वगैरह है बहुत ज़्यादा, क्रैमिंग बहुत ज़्यादा है, जिसको इंग्लिश में क्रैमिंग कहा जाता है। लेकिन ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी कि अब लोगों को रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें ऑलरेडी ही लोगों के सामने हैं। अब आपने वहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं और वहाँ से चीज़ों को जो है वो पिकअप करना है। तो जहाँ तक बाकी ये सारा सवाल, तो इस तरह कह लें कि मिलियंस में से एक पर्सन जो है वो इस तरह अचीवमेंट कर ही जाता है। इवन पाकिस्तान में भी कुछ मैंने देखा केसेस के, बहुत बहुत गरीब बाप की बच्ची को रेडी लगाता था, कुछ दर्दी था, उसकी बेटी CSS करके निकल गई। तो वंस इन अ वाइल या मून ऐसा कह लें कि आप ऐसा चांस लग जाता है। लेकिन सर अगर हम खास तौर पर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इंडिया जो है वो हमेशा ये कहता है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है और वो इंडिया से बिलोंग करता है, इसलिए वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली है, सब ने देखा। इवन के कश्मीरी खुद कहते हैं कि आर्टिकल 370 से पहले जम्मू कश्मीर कैसा था और आर्टिकल 370 के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर कैसा हो गया। सर वहाँ पे IT हब्स बन चुके हैं, बहुत डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, लोगों को एम्पावर किया जा रहा है। बिल्कुल, देखें दुनिया ने अगर ये तरक्की करनी है तो आई पर्सनली थिंक के लोगों का वहाँ पर आप जो 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 मेजरमेंट है वो उसी से की जा सकती है कि वहाँ पर लोगों की एजुकेशन का लेवल क्या है, लोगों की बिल्डिंग्स, और दैट्स व्हाट दिस इज़ लाइक, जैसे दुबई में सारी कंस्ट्रक्शन है। आई पर्सनली थिंक व्हाट आई परसीव इज़ दैट इट्स जस्ट लाइक अ फेक परसोना, और ये सारा कुछ सारा ये नकली होता है। ये आप जितनी मर्जी खड़ा कर दें चीज़ें, ये कौम की तरक्की का मैयार नहीं होता। जब तक एक कौम की तरक्की लोगों के अंदर एक शऊर नहीं आता, एक तलीम नहीं आती, और ये रटे वाली तलीम नहीं, ये समझ के चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को जब तक वो नहीं आएगी, तो आई थिंक क्या नाम है,
तब तक वो कोई भी मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर सकता। जहाँ तक रही बात कश्मीर की, देखिए कश्मीर का फैसला कश्मीरियों ने करना है, ठीक है जी, ना ये वो कर सकते हैं इंडियंस, ना पाकिस्तानी कर सकते हैं। आई पर्सनली थिंक कि ये एक फुटाइल किस्म का एक झगड़ा है जो लेके बैठे हुए हैं। तो अगर जहाँ पे कश्मीरी, अगर ये उनका डिसीजन है, वो वहाँ के लोग हैं और वही वहाँ के मालिक हैं, और जो डिसीजन वो लेंगे बेसिकली उसके हिसाब से ही जो है चीज़ों को होना चाहिए। सर, इंडिया एक बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि आज़ाद कश्मीर के जो हालात हो गए हैं, इंडिया को पाकिस्तान के साथ कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है, आज़ाद कश्मीर खुद ब खुद इंडिया में ज़म हो जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया में तो बहुत कम महंगाई है यहाँ से, और ये देखें वो अपने लोगों के लिए यही तो रिलीफ है, और यही तो चीज़ है कि लोग अपने लिए काम करते हैं। देखें आप वहाँ पर एप्पल की फैक्ट्रीज़ ला गई हैं, एप्पल के जो उनके प्रीमियम स्टोर्स हैं वो आ गए, टेस्ला आ गए, सारे आ गए। क्यों? अगेन मैंने कहा बिजनेस कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, सस्ती हैं चीज़ें, ओवरहेड सस्ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें ओवरहेड्स में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है आपकी जो बेसिक है, जो हर कंपनी हर फैक्ट्री में लगनी है, गैस है वो सस्ती है, हर चीज़ उन्होंने करके दी है। यानी कि वो इसका मतलब है कि अपने लोगों के खैर ख्वाह हैं, और यहाँ पर भी हो सकती हैं सस्ती, लेकिन यहाँ पर नहीं की जाती। ओ तो ये है कि बिल्कुल जी, मैंने बिल्कुल बयान सुना था, तो उनकी बात बिल्कुल सही है कि उनको पाकिस्तान से जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हालात यहाँ पे हो गए हैं, क्या नाम है, ये तो अपने आप से जंग लड़ के बैठ गए हैं। आपके सामने ही है कि आई थिंक 80-90% लोग तो दे फॉलन बिलो द पॉवर्टी लाइन, और किसी भी मुल्क की जो बैकबोन होती है वो उसकी आपकी मिडिल क्लास होती है, जो जो उस मुल्क को उठाती है। अमीरों से मुल्क नहीं बनता, रईसों से मुल्क नहीं बनता, तो वो तो आप देखें आपके सामने ये पाकिस्तान में ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। ये यहाँ तो वो नीचे, और मोस्टली आर गोइंग टूवर्ड्स द लोअर क्लास की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ जा रही है मिडिल क्लास, और बहुत कम ही लोग होंगे मेरा ख्याल है कि कुछ लोग होंगे जो अपर क्लास को यानी कि टच करते हैं। मिडिल क्लास खत्म होगी तो जो वॉइड आता है तो वो यहाँ तो ऊपर को जाएगी या नीचे को, बट इन द केस ऑफ पाकिस्तान व्हाट आई परसीव इज कि ज़्यादातर लोग जो हैं उसकी जो जो खता गुर्बत की लकीर है या पॉवर्टी लाइन से नीचे को जा रहे हैं, और आपके सामने सारे हालात हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद बिलाल चौधरी गुलफाम संधु। बिलाल क्या करते हैं आप? आई एम स्टडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA। अच्छा, क्या कहेंगे, आज़ाद कश्मीर ने एक बार फिर से प्रोटेस्ट खोल दे दिए, 27 मई को आज़ाद कश्मीर एक बार फिर से एहतजाज करने जा रहा है, हालांकि उनके मुतालबात भी मान लिए गए हैं, बिजली सस्ती कर दी गई है, गंदम सस्ता कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 27 मई को दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे, और इस दफ़ा जो है ये एहतजाज जो है वो पुरअमन होगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, एहतजाज करना हर किसी का राइट है, और उन्होंने दूसरी बात ये कि पूरा में एहतजाज होगा तो उनका राइट है, उन्हें करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उतने फेवर कर दी है उन्हें, मतलब कि उनके जो पहले मुतालबा थे इलेक्ट्रिसिटी उन्हें चीप कर दिया है, और उनकी मतलब कि ज़रूरी अशिया की कीमतें कम कर दी है, तो अब उन्हें मतलब कि कुछ अपना लेवल अच्छा खासा बड़ा बजट दिया गया उनको। या वही मैं बात कर रहा हूँ कि अब उन्हें इतना रिलीफ दे दिया गया है तो उन्हें कुछ पाकिस्तान का भी साहस करना चाहिए, अब दोबारा फिर प्रोटेस्ट वगैरह करने हैं तो वैसे उनका राइट बनता है, उन्हें करना भी चाहिए, पूरा मैं इंतजार करना चाहिए, हर ह्यूमन बीइंग का राइट बनता है। अच्छा, हमने हमेशा मुवाजना किया है आज़ाद कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज पर एहतजाज चल रहे हैं, और जो बातें हम जम्मू कश्मीर के बारे में कहते थे वो हमें आज़ाद कश्मीर के बारे में देखने को मिल रही हैं। हम कहा जा करते थे कि जी भाई जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, वहाँ मैदान जंग बना, वो सब चीज़ें हमें आज़ाद कश्मीर में देखने को मिली, और जम्मू कश्मीर में इसके उल्टा हो रहा है। वहाँ का एक लड़का है मुनीब, उसे नासा के हॉल ऑफ फेम में एंट्री मिल गई है, क्या कहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहली बात यह है कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं इस टाइम जम्मू कश्मीर का और आज़ाद कश्मीर का, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर वो हर बंदे को जो वहाँ की आवाम है उनकी जो पहले, ठीक है पहले पता नहीं, जो हमने सुना है बुकों में पढ़ा है जो भी सुना है वो लहदा है, लेकिन जो असल की आप पूछ के पूछ से देख लेना वो सेटिस्फाई हैं, वो इस पाकिस्तान से इलाज करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। ये पाकिस्तान का इंडिया का आपस में रोला डाला, अगर वो इनको अगर पाकिस्तान उनकी आवाम की ख्याल देखे जाए ना, जारी बात है अगर पाकिस्तान के अंदर जिस भी शहर के अंदर अगर उनको सहूलियात मिल रही हैं, कोई फैसिलिटेट कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, तो जारी बात वो वाम गए कि यार खाने पीने से बेहतर या इकोनॉमिक से बेहतर तो कोई चीज़ नहीं ना। और यही चीज़ है जब आज़ाद कश्मीर देखता है तो उन हसरत भरी निगाहों से देखता है, और वो भी फिर
अपने हक के लिए सड़कों पर निकलता है, एहतजाज करता है, मुतालबात करता है। देखें यही वजह है, ये जो पिछले दिनों में एहतजाज चल रहा था, जो पुलिस के दर में इतना क्रैकडाउन चल रहा है, ये आपस में इतने झगड़े पड़े हैं, कत्लो गारत भी इतनी हुई है, इसकी वजह क्या थी? वो आजाद वाले कहते कह रहे थे, सोच रहे थे, उनका एक हसद भी होता है, उनका हसद ये है कि वो कहते हैं कि वो जम्मू वाले हमसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वहाँ का इंडिया की उनको अच्छा बजट देते हैं, इंडिया की वहाँ बड़े बड़े लोग सुपरस्टार वहाँ विज़िट करते हैं। पिछले दिनों में शाहरुख खान ने भी वहाँ पर विज़िट किया था और काफ़ी बंदे वहाँ का विज़िट करते हैं और उनका एक हौसला अफजाई हो जाती है कि हमारे साथ कोई है। लेकिन इसके कंपेरिज़न में ये आज़ाद कश्मीर का देख लें, आज़ाद कश्मीर के अंदर उनको अपने हाल पर छोड़ा हुआ, हम अपने जो अपना ऑलरेडी इलाका है हम उसको नहीं मतलब कंट्रोल कर पा रहे, वो तो एक अलहदा चीज़ है ना आज़ाद कश्मीर के अंदर। हालांकि इतना कीमती एरिया है तो हमारी गवर्नमेंट ना आवाम का उधर ध्यान है ना गवर्नमेंट का उधर ध्यान है, ये अपने कामों में बिजी हैं। अब आप देखें ना कि जम्मू कश्मीर से निकलने वाले जो यूथ है वो कितने बड़े बड़े अहदों पर फाइज हो रही है। पहले वहाँ पर एक दर्जी की बेटी थी जो कि जज बन गई और आज एक मुनीब नामी लड़का जो है वो नासा के हॉल ऑफ फेम में एंटर हो गया। देखिए मैम कितनी बड़ी अचीवमेंट है, हालांकि पाकिस्तान का आज तक 70 साल की हिस्ट्री के अंदर कोई बंदा कोई स्टूडेंट नासा के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं हासिल की, तो देखो वहाँ का एक स्टूडेंट ने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, एक मामूली बात नहीं है, फिर तो सोची जाए समझने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है कि नासा एक दुनिया के नंबर वन एक कंप्यूटर एजेंसी है, कंप्यूटराइज के आगे जो स्पेस एजेंसी है, AI पे इतना उनका काम है, तो वहाँ का एक टैलेंटेड बच्चा उनको मिल गया, वो पता एक ओवरऑल कंट्री का नाम हो गया जम्मू कश्मीर का, अब उनका एक स्टेटस बन गया, इमेज बन गया, तो वो पूरी दुनिया में यार फलानी जगह का बंदा है, उसने नासा के अंदर ये अचीवमेंट हासिल किया है, तो ये कितनी बड़ी बात है। और फिर हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उन्हें दबाया जा रहा है, ये मेरे ख्याल में मुनासिब सी बात नहीं है। ठीक, तो अगर देखा जाए ना पिछले दिनों मैं खुद मेरे व्हाट्सएप पे ना चैनल पे वो वहाँ की एक वीडियो आई थी, वो कह रहा था हमारे आज़ाद कश्मीर का बंदा, और वो कह रहा था कि हमें पाकिस्तान से भी आज़ादी चाहिए, इंडिया से भी आज़ादी चाहिए, हम खुद हैं मतलब वो पाकिस्तान से, क्योंकि हम उनको जो उनको चाहिए ना हम उनको वो प्रोवाइड नहीं कर रहे उस तरह, तो इसलिए वो हमसे भी भाग रहे हैं। पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान जितना उन्हें फेवर कर सकता है पाकिस्तान करता है, और दूसरी बात है उनकी वाम को भी लॉयल रहना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे साथ कुछ जुल्म नहीं कर रहा, उन्हें आज़ादी दी हुई है, उनकी टेरिटरी है और उनका अपना वज़ीर आज़म होता है, उनका वज़ीर आला होता है, बोले कि सब कुछ उन्हें प्रोवाइड किया गया। अब पाकिस्तान के जो दूसरे इलाके हैं उन्हें इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स महंगा पड़ रहा है और उन्हें बिल्कुल मतलब कि चीप प्राइस पर दे रहे हैं, बाकी इलाकों से अलावा सस्ता दे रहे हैं, तो उन्हें भी कुछ पाकिस्तान के साथ व्यवस्था रहना चाहिए और पाकिस्तान का ख्याल करना चाहिए। वही मतलब कि ये एक शायर भी कहता है, व्यवस्था रहा शजर से उम्मीदें बहार रख, तो उन्हें भी पाकिस्तान से ही मतलब कि पाकिस्तान से वो हैं और पाकिस्तान से वो ही हैं। लेकिन पाकिस्तान की कुछ आवाम जो है वो आज़ाद कश्मीर में होने वाले प्रोटेस्ट का मलबा इंडिया पर डाल रही है, वो कह रहे हैं कि जिसने भी जो कुछ करवाया वो सब इंडिया ने करवाया, सब इंडिया का किया जा रहा है। देखें ऐसी बातें अगर जम्मू कश्मीर में कही जाएँ उसके बारे में कही जाएँ फिर तो थोड़ी बहुत समझ में आती हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के बारे में ऐसी बातें कहना मेरे ख्याल में मुनासिब सी बात नहीं, क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर उसका उनसे कोई लाख ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो पाकिस्तान के एरिया में आ रहा है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं उसके, हमारी गवर्नमेंट है वो बजट अनाउंस करती है उनके लिए, जो भी उनको फैसिलिटेट करती है, जो भी उनको इंसेंटिव वगैरह देती है, सब कुछ मतलब इनका कंट्रोल है, चाहे उनका वज़ीर आज़म अलहदा है, सिस्टम गवर्नमेंट का एक थोड़ा असम्बली वगैरह अलहदा है, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट हम अनाउंस करते हैं, बजट हम अनाउंस करते हैं, हर चीज़ अलिफ से ये तक हम अनाउंस करते हैं, फिर हमारे इशारों पर चलते हैं वो, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि वो इंडिया के इशारों पर चलते हैं? ऐसे हम अगर इंडिया ने अपने लोग भेजे हैं, वो लोग आके इनको भड़का रहे हैं, इंडिया की जानिब से फंडिंग की जा रही है। अभी आपसे पहले एक भाई से मेरी बात, उन्होंने यही सब जो इल्ज़ाम लगाए, मेरे ख्याल में मुनासिब सी बात नहीं है, अपना अपनी कमज़ोरी को ये से अगर वो कर रहे हैं ना ये समझे हमारी कमज़ोरी है, क्यों ऐसे कोई किसी के घर में घुसकर क्यों मारे, मतलब अगर ऐसे कोई घर है अगर स्टेबल है, हम एक फैमिली अगर स्टेबल है तो अगर इतनी स्टेबल है तो बाहर से बंदा ऑटोमेटिक ना आए, हम इसका मतलब हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से बाहर के बंदे को कोई ना कोई जगह मिलती है वो आके घुसता है, तो इसलिए वजह से मुनासिब नहीं है कि किसी पर ऐसे मलबा उठा दिया जाए। लेकिन देखिए सर जैसे आपने बात की कि इंडिया से भी थोड़ा वहाँ पे मदाखलत हो रही है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, कुछ सीन ऐसा ही है, बिकॉज कश्मीरियों को पूरे आज़ादी बिल्कुल आज़ादी बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो जहाँ चाहे जहाँ तालीम हासिल करना चाहे वो कर सकते हैं, बल्कि उन्हें स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं
और जैसा कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं, अभी लाइब्रेरी से आ रहे हैं, वहाँ पे आज़ाद कश्मीर से भी स्टूडेंट्स बैठे पढ़ रहे होते हैं, बल्कि हम अक्सर स्टूडेंट्स हॉस्टल में हमारे साथ ही रहते हैं कश्मीर के स्टूडेंट्स भी, और उन्हें बिल्कुल यहाँ पर फुल आज़ादी है, मतलब कि उन्हें जहाँ पर मर्जी जहाँ पर भी तलीम हासिल करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान से बिल्कुल खुश हैं, मतलब कि वो पाकिस्तान से, मतलब जो आजकल बड़ा अफसोस होता है सुन के जो लोग नारे लगा रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, इंडिया से आज़ादी चाहते हैं, ये भी कोई थोड़े बहुत ही गिने चुने लोग ही होते हैं जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, और मुझे इसमें मुदाखलत ही लग रही होती है कि साजिश वगैरह का थोड़ा सा सीन नज़र आ रहा होता है। बाकी जो फिज़िकली जहाँ पे जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे क्लास फेलोज हैं, दोस्त हैं, कश्मीरी हैं, वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल लॉयल हैं, और बल्कि वो कहते हैं, आप यकीन जाने, स्कूल फेलो, जब मैं स्कूल में था मेरा एक स्कूल फेलो भी कश्मीरी था, वो कहता था बल्कि जम्मू कश्मीर में वो जुल्म किया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर रियासत फुली आज़ाद है, उन्हें पूरे पाकिस्तान से जितनी हमारी औकात है पाकिस्तान की उन्हें फुल फैसिलिटेट किया जाता है, उन्हें बिजली के यूनिट्स में भी प्राइस कम की गई है, उनकी मतलब कि आटे वगैरह की कीमत में भी कमी की गई है, और उन्हें अच्छा बजट दिया गया है, जितना पाकिस्तान कर सकता है उनके लिए दिलो जान से कर रहा है, और उन्हें भी पाकिस्तानी अवाम का ख्याल करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ लॉयल रहना चाहिए। मैं तो बस यही समझता हूँ।